बुनियादी तौर पर आप पूछ रहे हैं कि मैं क्यों आया था सुबह सवेरे, ये बड़ा अच्छा टाइम था। मैं अकेला था और मुल्की मामलात बहुत सारे ऐसे थे जिस पे हमने बड़ी तफसील के साथ बात की। ज़ाहिर है कि प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला आपको खान साहब खुद बताएंगे आइंदा का लाहे अमल। मैं सिर्फ ये कौम को बताना चाहता हूँ, अपनी बेटियाँ और बेटों को बताना चाहता हूँ कि देख लें पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इन 13 पार्टियों ने और उनके हैंडलर्स ने मुल्क को, इसकी मईशत को, इसकी माशरत को कहां तक ले चुके हैं, जहां पर एक खावंद और बीवी की इज्जत और उसके तकद्दस को पामाल किया जाए, वीडियो बनाई जाए। तो मैं उन बगैरतों से पूछता हूं कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी माएं, बहनें, बेटियां और बीवियां पाकिस्तान की बेटियां हैं और काबिल इज्जत हैं, लेकिन तुम कौन सी नस्ल के हो, किस दीन से तुम्हारा ताल्लुक है और क्या मैसेज जो है अपनी बेटियों को, अपनी माओं को दीन के नाते से पहुंचाना चाहते हो। अल्लाह ताला तुमको नंगा करेगा, इंशाल्लाह ताला याद करोगे तुम, अल्लाह ताला तुमको नंगा करेगा। और अदालती उज़्मा के लिए 3 टेस्ट केस हैं, एक मेरा, और मैंने तो पहले कहा था कि तशद्दुद में मैं माफ करता हूं, मैं खुद जो बेलबास हुआ उसको भी माफ करता हूं, लेकिन खामद और बीवी का इंशाअल्लाह तुम्हें यहां भी हिसाब देना पड़ेगा बगैर तो। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुजूर जब मेरे आंसू निकलते हैं सुबह, मेरे खानदान के लोग जो आंसू मेरी बच्चियां बहाती हैं, तुम्हें उनका भी हिसाब देना पड़ेगा। कल यकीन करें मैं आर्मी के कब्रिस्तान पिंडी के अंदर, मेरा एक प्रोफेसर फौत हुआ है वहां पे गया हुआ था, जनाजे को छोड़ के लोग मेरे पास थे, हाथ चूम रहे थे, क्या मैसेज दे रहे थे वहां पे। इसलिए तुम्हारा हिसाब किताब खुदा के फजल से होगा। अरशद शरीफ का केस कोई छोटा केस नहीं है, और बिल्कुल मेरे पीछे आलम इस्लाम का लीडर, लोगों के दिलों पे हुकूमत करने वाला, उस पर तुमने कातलाना हमला किया, हिसाब किताब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के लोगों, हर घर से निकलो, जब घर में बैठो इस महंगाई को याद करो, कपड़े तुम्हारे पास नहीं है, गरीबों के पास छत नहीं है, कर्जे में डूबे हुए हो, यहूदी और ईसाई के कर्जे में, किसने तुमको इस हद तक पहुंचाया है? जवाब तुम्हारे पास है, मुंह से आवाज निकलनी चाहिए कि कौन इसका जिम्मेदार है। और इंशाल्लाह ताला हकीकी आजादी की ये तहरीक इसी तरह इंशाल्लाह निकलेगी। आज ये पीटीआई का मसला नहीं है, आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां, शादीशुदा जोड़े मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क पाकिस्तानी, हर घर के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि वो कौन लोग हैं, किस इदारे से इनका ताल्लुक है, कि जो इतनी शर्मनाक हरकत एक सेनेटर के साथ कर सकते हैं, तो गरीब की बेटी का क्या हाल होगा, इस महंगाई की पिसे हुए मजदूर की बेटी का क्या हाल होगा। इसलिए
मुझे उन बेटियों के चादर की कसम, पूरी कौम की बेटियां, शादीशुदा बेटियां, माएं और बीवियां, इंशाल्लाह ताला मेरी जबान, मेरा हौसला, क्योंकि आपकी वजह से मुझे मिल रहा है, इंशाल्लाह ताला आवाम की अदालत के अंदर जो है खुदा के फजल से ये नंगे हो चुके हैं और इसी तरीके से नंगे होते रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।